नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल जो प्रश्न पूछे थे उसका क्या जवाब है। तो कल का प्रश्न था, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शंस है ए हेन सुमाकर, बी कार्तिक आडवाणी, सी रॉबर्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए हेन सुमाकर। हेन सुमाकर यूनिलीवर कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं आज 4 फरवरी का करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस है ए वियतनाम, बी उरुग्वे, सी कांगो गणराज्य या डी केन्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। 30 नवंबर 2015 को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की गई। 30 नवंबर 2015। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में। 3 प्रश्न यहाँ से मिले। पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया हाल ही में? तो वह है कांगो गणराज्य। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? तो 30 नवंबर 2015 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मध्य अफ्रीकी देश इक्विटोरियल गिनी, देश का नाम है इक्विटोरियल गिनी, की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस देश जो देश है इक्विटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम में किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले ऑप्शंस देखेंगे, ए है तियोडोर ओबियांग न्गुएमा, दूसरा है अल्फोंस ओबियांग, तीसरा है मेनुएला रोका बोटी और चौथा है डी फ्रांसिस्को आसू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी मेनुएला रोका बोटी। मेनुएला रोका बोटी ये जो है ये इक्विटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम बनी है। अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में एक देश है इक्विटोरियल गिनी, उसकी पहली महिला पीएम बनी है मेनुएला रोका बोटी। अब इस देश के राष्ट्रपति कौन है? इक्विटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का नाम है, ये जो ऑप्शन ए में है ये उनके राष्ट्रपति हैं तियोदोर ओबियांग नगुएमा। तियोदोर ओबियांग नगुएमा ये इक्विटोरियल गिनी के राष्ट्रपति का नाम है। जबकि अभी जो करंट अफेयर का सवाल है ये 30 साल से भी ज्यादा से राष्ट्रपति बने हुए हैं तियोदोर ओबियांग नगुएमा। जबकि मेनुएला रोकाबोटी ये नए नए अभी प्रधानमंत्री बनी हैं, जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का। के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस है ए पत्रकारिता, बी फिल्म उद्योग, सी राजनीति या डी चिकित्सा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है के विश्वनाथ एक फिल्म उद्योग से संबंधित है। ये एक तेलुगु फिल्म निर्माता है। के विश्वनाथ तेलुगु फिल्म निर्माता है जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। 1992 में 1992 में ये बहुत बड़े फिल्म निर्माता हैं। 1992 में इनको भारत सरकार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए थे। 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था के विश्वनाथ को। इसके अलावा 2017 में आप लोग लिखेंगे, 2017 में इनको फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के विश्वनाथ जिनका 92 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, वो एक तेलुगु फिल्म निर्माता थे, यानी फिल्म उद्योग से
संबंधित थे, तेलुगु फिल्म निर्माता थे जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसके अलावा इसमें जानने योग्य बातें हैं, वो है 1992 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2017 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न में इतना। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न आपके लिए क्या है। चौथा प्रश्न है, G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने, ए जोधपुर, बी जयपुर, सी गुवाहाटी या डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जोधपुर। जोधपुर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। G20 इस साल भारत मेजबानी कर रहा है G20 की, और उसकी कार्य समूह की बैठक, रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर शहर में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न आपके लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियंस 2013 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है, ए जेसन कुबलर, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविक या डी स्टेफानोस सिटसिपास। तो सबसे पहले इसका सही जवाब जानेंगे, फिर कुछ अतिरिक्त नॉलेज का देखेंगे। पहला है, इसका आंसर जो है वो है सी नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने इस बार 2023 की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया सिंगल मेंस में। ठीक है, आपका आंसर है नोवाक जोकोविक। अब देखेंगे नोवाक जोकोविक इस बार जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप में लगातार 10वीं बार, सॉरी लगातार नहीं, कुल 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविक ने रिकॉर्ड 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने कुल आ, 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 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविक ने कुल 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। 22 ग्रैंड स्लैम में कौन कौन सा, 10 आपका ऑस्ट्रेलियन हो गया, इसके अलावा 7 विंबलडन का खिताब भी इन्होंने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार, नोवाक जोकोविक ने 10 ऑस्ट्रेलियन का खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन का, 7 विंबलडन का, 3 अमेरिकी ओपन का और 2 फ्रेंच ओपन का। कुल 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने आज तक जीत चुके हैं। अब एक प्रश्न आ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 मेन सिंगल में नोवाक जोकोविक ने किनको हराकर जीता। तो इसका सही जवाब है, इन्होंने फाइनल में स्टेफानोस सिटसिपास को हराया। फाइनल में स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 10वीं बार खिताब जीता। अब ये हो गई मेन सिंगल का। विमेन सिंगल का अगर पूछा जाए तो विमेन सिंगल का खिताब किन्होंने जीता, बेलारूस की आर्याना सबलेंका। आप लोग लिखें तो लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार फिर से सुनिए, विमेन सिंगल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेलारूस की आर्याना सबलेंका, आर्याना सबलेंका ने विमेन्स सिंगल का खिताब अपने नाम किया। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न आपके लिए क्या है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शंस है, ए अमृत उद्यान, बी शांति उपवन, सी आनंद उद्यान या डी कलाम उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है। अब अमृत उद्यान जो पहले मुगल गार्डन था, उनकी स्थापना कब हुई, तो इसका उद्घाटन आप समझ सकते हैं 1928-29 में इस गार्डन का स्थापना हुआ था। 1928-29 में मुगल गार्डन का स्थापना हुआ था, जो अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया अमृत उद्यान। याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी अभी बदलाव हुआ है तो ये आ सकता है कि कब इसका उद्घाटन हुआ था। तो पहले मुगल गार्डन के बारे में जानेंगे। मुगल गार्डन का स्थापना 1928-29 में हुआ था, जिसका अब नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न हमारे लिए। मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। डीजी यात्रा सुविधा, देखिए क्या है, 2023 मार्च 2023 लक्ष्य है डीजी यात्रा सुविधा देश के
कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने, ए 4, बी 6, सी 5 या डी 8। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 4। अब कौन कौन से एयरपोर्ट पे की जाएगी, तो इसका ऑप्शंस है, एक बार लिख लीजिए आप लोग। इसका आंसर है, पहला कलकत्ता, दूसरा पुणे, तीसरा विजयवाड़ा और चौथा हैदराबाद। ये चारों एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा लागू कर दी जाएगी मार्च 2023 तक। एक बार फिर से, चार कौन कौन से हैं देख लीजिए, सुन लीजिए, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद। ठीक है, अब आठवां प्रश्न देखेंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है पुरुष हॉकी विश्व कप, किसने जीता है? ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जर्मनी ने 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। अब जर्मनी ने किसे हराया? तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब तीसरी बार जीता है। जर्मनी ने तीसरी बार यह खिताब जीता है। अब सर्वाधिक अगर जानना चाहे तो कौन होगा, सर्वाधिक सबसे अधिक बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान ने कुल 4 बार विश्व कप अपने नाम किया है, हॉकी विश्व कप का। अब भारत का इस बार क्या रिकॉर्ड रहा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत का जो स्थान रहा वो 9वां रैंक रहा, काफी बुरा रहा इस बार। 9th रैंक बाहर इंडिया इस बार पुरुष हॉकी विश्व कप में 2023 में रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न क्या है हमारे लिए। 9वां प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एडमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? कोरोनोग्राफ होगा, लाइन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? ऑप्शंस है IIT मुंबई, दूसरा DRDO, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या चौथा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किया है, और आंसर हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। हाल ही में अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर T20 विश्व कप जीता है, इंग्लैंड की टीम को हराया है। ठीक है, ये आज के 10 करंट अफेयर के प्रश्न थे। अब समय है आपसे पूछने का। आपका प्रश्न है जिसका आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, वो आपका प्रश्न है ये रहा। आपका प्रश्न है, 2 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ऑप्शंस देख लीजिए, ए है विश्व जल दिवस, बी है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, सी विश्व पक्षी दिवस या डी विश्व गोरैया दिवस। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, ताकि डेली इस करंट अफेयर हम लाते रहें और आप लोग देखिए ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।